अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे सच मुझे ज़रूर बताइएगा। और फाइनली वो घड़ी आ गई जो केमान से वो लॉन्च हो चुका है, और अब एक कंपैरिजन तो ज़रूर बनता है। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ चुके थे बहुत पहले, और बताया जाता था कि भाई केमान 18 सीरीज़ का जो स्मार्टफोन है वो इन्फिनिक्स 0X सीरीज से कंपेयर करो। लेकिन मैं एक सीरीज़ को मैंने कंपेयर किया था, प्रीमियर सीरीज़ जो ये सीरीज़ था, मैंने सोचा था कि भाई इसको कंपेयर करूँगा, लेकिन अगर प्राइस निकल के सामने आ जाए। देखो, प्राइस असल चीज़ होती है, प्राइस के जरिए हम एक स्मार्टफोन को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, उसको हम देखते हैं कि ये स्मार्टफोन बेहतरीन है या नहीं है। स्मार्टफोन तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन उसको प्राइस के हिसाब से देखकर ही बताते हैं कि ये अच्छा है या नहीं है। तो अभी फाइनली दोनों स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो रिवील हो चुकी है, और यहाँ पर आज की वीडियो में दोनों स्मार्टफोन का कंपेरिजन करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ जास और आप देख रहे हैं टेक्नो जास। टेक्नो केमान 18P स्मार्टफोन का जो प्राइस रखा है वो है 34,000 रुपये। ये स्मार्टफोन अभी ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं, 29,000 से अवेलेबल कर दिया जाएगा। और इन्फिनिक्स 0X न्यू स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 35,000 रुपये रखी गई। ये स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है, आप डेफिनेटली जाकर दोनों स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात की जाएगी इन दोनों स्मार्टफोन की डिज़ाइन की। डिज़ाइन की बात की है तो अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात हो तो मैं टेक्नो केमान 18P स्मार्टफोन की तरफ जाऊँगा। पहले से बता दूँ, दोनों प्लास्टिक बिल्ट है, रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, LED फ्लैश लाइट है, बॉक्सी डिज़ाइन है, और बाकी आपके सामने दोनों स्मार्टफोन की डिज़ाइन, कलर्स आपके सामने हैं। मुझे पर्सनली जो ब्लू कलर है ना, वो मुझे टेक्नो वाला काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा है, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। स्पेशली जो रियर कैमरा जो डिज़ाइन है टेक्नो के मैंने 18P के, वो मुझे खूबसूरत लगा है। टेक्नो इन्फिनिक्स 0X न्यू भी बेहतरीन है, लेकिन मैं खुद तो बिल्कुल भी टेक्नो के मैंने 18P को ही सेलेक्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन मुझे लगा है। डिस्प्ले की बात की है तो दोनों स्मार्टफोन में 6.8 इंच का फुल HD+ रेजोल्यूशन और IPS जिसमें देखने को मिलता है। टेक्नो के मान 18 में 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, सेंटर 5 वोल्ट कैमरा दिया गया है, बेजल भी थोड़े बहुत कम रखे गए हैं, 84% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी गई है, और 550 nits की यहाँ पर पीक ब्राइटनेस दिया गया है। जबकि इन्फिनिक्स 0X न्यू की बात तो स्मार्टफोन में 6.78 इंच का, यानी ऑलमोस्ट 6.8 इंच का फुल HD+ रेजोल्यूशन और IPS डिस्प्ले दिया गया, और साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन की जो बेजल्स है वो भी इतने ज़्यादा कम नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर भी सिमिलर 84% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी गई है, और इसके अलावा यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट है और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट है। तो डिस्प्ले को अगर देखा है तो साइज तो सिमिलर है, दोनों में IPS डिस्प्ले है, बट जो फ़र्क है वो रिफ्रेश रेट का है। टेक्नो के मान 18P में जो रिफ्रेश रेट है वो ज़्यादा है, 120Hz का ये रिफ्रेश रेट है, लेकिन इन्फिनिक्स 0X न्यू में 90Hz का रिफ्रेश रेट है। 60Hz से 120 पे जाकर बहुत ज़्यादा फ़र्क फील होता है, जबकि 60 से 90Hz पे जाकर इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता। तो मैं रिफ्रेश रेट की वजह से टेक्नो को मैं 18P स्मार्टफोन को सेलेक्ट करूँगा, कि उस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स 0X न्यू। कैमरास के डिपार्टमेंट में भी दो स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सिमिलर है। टेक्नो केमान 18P में रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात तो सेंटर 5 वोल्ट कैमरा में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। रियर कैमरा से यह स्मार्टफोन 4K 30fps पर और 1080p 30fps पर रिकॉर्डिंग कर सकता है, जबकि फ्रंट कैमरा से यह स्मार्टफोन 1080p 30fps पर रिकॉर्डिंग कर सकता है। रियर पर अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर जो टेलीफोटो लेंस है वो दिया गया है, और वो 30x तक जूम प्रोवाइड करता है, डिजिटल जूम होता है। उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं होगी, बट स्टिल टेलीफोटो लेंस है, अच्छी बात है। वैसे भी इस प्राइस में दूर दूर तक टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलते, तो एक अच्छी बात हो जाती है। इन्फिनिक्स 0X में भी रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, 1.8 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और एक डेप्थ सेंसर भी दिया गया है, जिसकी रेजोल्यूशन 2 मेगापिक्सल रखी गई है। फ्रंट की बात हो तो सेंटर 5 वोल्ट कैमरा में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पर भी जो कैमरा सेटअप है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट जो टेलीफोटो लेंस है उसकी क्वालिटी में थोड़ी सी यहाँ पर जो रेजोल्यूशन उसमें फ़र्क है, लेकिन फिर भी जो इन्फिनिक्स 0X न्यू है वो 5x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है, और 10x जो है वो 30x जो है वो डिजिटल जूम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर आएगी टेलीफोटो लेंस में, बाकी कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर टेक्नो के मान 18 के जो कैमराज होते हैं वो फिर भी
थोड़े से कलर टोन के लिहाज से बेहतर होते हैं, और जो डायनामिक रेंज होती है टेक्नो की माने 10 सीरीज़ की, वो थोड़ी सी बेहतर है। तो इस मामले में मैं इन्फिनिक्स जीरो एक्स न्यू की कंपेरिजन में टेक्नो की माने 18 पी को कंसिडर करूँगा, उसी कैमरा थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। बाकी आप इस स्मार्टफोन के दोनों की रिव्यू देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसके लिए आप कैमरा के लिहाज से स्मार्टफोन सेलेक्ट कर सकते हैं। कैमरा बहुत ज़्यादा क्रूशल चीज़ होती है, उसके लिए एक वीडियो पर आप बिल्कुल भी रिलाई ना करें, बहुत ज़्यादा कंपेरिजन देकर ही फैसला कीजिएगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। परफॉर्मेंस के मामले में ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन सिमिलर, लिटिल बिट चेंजेस है। टेक्नो के मान 18P में जो चिपसेट लगाया गया वो मीडिया टेक का हीलियो G96 का प्रोसेसर है। ये G95 का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है और ये भी 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसके अलावा 8GB की रैम और 128GB वाला वेरियंट दिया गया है, और इसके अलावा माली का GPU देखने को मिलेगा, माली G52 MCT का GPU दिया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये चिपसेट थोड़ा सा बेहतर किया गया, स्पेशली यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ किया गया है एक तो कैमरा के हवाले से, और इसके अलावा रिफ्रेश रेट भी इसका बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर ये चिपसेट थोड़ा सा नया है, बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स जीरो एक्स न्यू का जो चिपसेट है, क्योंकि वहाँ पर G95 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पुराना है और वो भी 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। उसमें GPU दिया गया है वो है माली का GPU है, माली G76 MC4 का GPU दिया गया है। 8GB की रैम है और 128GB वाले वेरिएंट देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस सिमिलर है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी ये दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, और दोनों स्मार्टफोन के अपने अपने UI, टेक्नो का iOS UI है और इन्फिनिक्स का अपना XOX UI है। दोनों अपने UI के हिसाब से ऑलमोस्ट सिमिलर है, UI में कोई भी फर्क नहीं है। तो लिटिल बिट जो सुपीरियर है, जो फ़ायदा है वो टेक्नो मैन 18P का है, उसका जो चिपसेट है वो थोड़ा सा बेहतर है। बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में यहाँ पर टेक्नो के मान 18P सुपीरियर है। टेक्नो के मान 18P में 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, साथ में 43 वाट की फास्ट चार्ज है, टाइप सी कनेक्टिविटी है, 3.5 mAh जैक भी दिया गया है और स्पीकर ग्रिल भी दिया गया है। जबकि इन्फिनिक्स जीरो एक्स न्यू की बात हो तो वहाँ पर भी 5000 mAh की बैटरी, लेकिन जो फास्ट चार्ज है वो 18 वाट की, देखो 18 वाट की फास्ट चार्ज है 35,000 रुपये में। ये इंसाफ है? बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है। तो 18,000 रुपये इसकी प्राइस है और 18 वाट की फास्ट चार्ज है और वहाँ पर 43 वाट है, तो यहाँ पर भी टेक्नो के मान 18P सुपीरियर है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में दिया गया और दोनों की स्पीड सिमिलर है। GPRS, जायरो, एक्सेलेरोमीटर, कंपस, तमाम जितने भी सेंसर है दोनों स्मार्टफोन में इक्वली सिमिलर ही दिए गए हैं। तो ये दोनों स्मार्टफोन की यहाँ पर कंपैरिजन हो गई। देखो अगर बात किया डिज़ाइन के बारे में, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट बाकी पसंद अपनी अपनी है। मैं टेक्नो के माने 18P का डिज़ाइन पसंद करता हूँ, बाकी वही सिमिलर बॉक्स डिज़ाइन है, सेम साइज़ का डिज़ाइन है, बॉक्स ही फ्लैट एजेस और इसके अलावा प्लास्टिक बैक है, ओवरऑल ठीक ठाक डिज़ाइन है। दोनों स्मार्टफोन खूबसूरत है, इस प्राइस में दोनों स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन टेक्नो के माने 18P का डिज़ाइन बेहतर है। डिस्प्ले में भी सिमिलर है, बट रिफ्रेश रेट टेक्नो के माने 18P का बेहतर है। चिपसेट में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट लिटिल बिट टेक्नो के माने 18P का चिपसेट थोड़ा सा बेहतर है, ऑप्टिमाइज है और थोड़ा सा नया है G96 से। बाकी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्या बोलो कि भाई इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क उतना नहीं है। और फास्ट चार्ज में भी टेक्नो के माने 18P बेहतर है, और कैमरास के डिपार्टमेंट में भी सिमिलर, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मैं कंसीडर करता तो मैं टेक्नो के माने 18P के कैमरा ही को कंसीडर करता। और बस इतना ही कंपैरिजन है। प्राइस की बात की जाए तो टेक्नो के माने 18P 1000 रुपये सस्ता भी है, देखो यहाँ पर भी देखो 1000 रुपये सस्ता भी है और चीज़ें भी उसकी बेहतर है। इन्फिनिक्स जीरो एक्स न्यू 1000 रुपये महंगा और चीज़ें भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो चुकी है, निकल चुकी है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है। बाकी आप कौन स्मार्टफोन पसंद करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे मेरी आप वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई भी आपको सवाल हो कमेंट पूछे, इंशाल्लाह मैं आपको इसमें कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दिया साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।